राष्ट्र ध्वज न सिर्फ देश की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। यही वजह है जो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में शिक्षा के शुरुआती दिनों से ही बताना शुरू कर दिया जाता है। ध्वज के राष्ट्रीय महत्व के बारे में जानकारियां दी जाती है ताकि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर सके। लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में ही राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा तो आम जन इसके महत्व को कैसे जानेंगे। दरअसल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुछ समय पूर्व करोड़ों रूपए की लागत से संविधान पार्क का निर्माण करवाया गया था, जिसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों ने संविधान पार्क की सुध तक नहीं ली, जिससे पार्क में लगा हुआ तिरंगा फट चुका है। जबकि संविधान में उल्लेख है कि फटा या मेला झंडा नहीं फहरा सकते। यदि झंडा फट जाए या मेला हो जाए तो उसे पूरे सम्मान के साथ बदल दिया जाता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन शायद इन नियमों से अनजान है, इसलिए तिरंगा का अपमान किया जा रहा है। इस मामले को लेकर जब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला उनके ध्यान में आया है और अब वे जल्द से जल्द राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर नया ध्वज लगाएंगे। वहीं एनएसयूआई के मोहित नायक ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है, जिसके लिए एनएसयूआई जरूर जल्द से जल्द कदम उठाएगी और झंडे को वहां से हटाया जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सबसे पहला वह संस्थान है राजस्थान, अभी जो मैंने जहाँ तक सुना है वो पूरे भारत में पहला ऐसा संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, विश्वविद्यालय, जहाँ पे संविधान पार्क का निर्माण कराया गया। तत्कालीन कुलपति माननीय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी ने इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क और कॉन्स्टिट्यूशनल पिलार का निर्माण कराया। इसको बने लगभग डेढ़ साल का समय हो गया, लेकिन इसका जिस तरीके से रखरखाव किया जा रहा है ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है। संविधान पार्क और संविधान के पिलार को देख के विश्वविद्यालय के सभी छात्र लोकतंत्र के प्रति अपनी जो भावना है उसको सीखने का काम करते हैं। संविधान भारत की पूरी आत्मा है, हर व्यक्ति की आत्मा है, संविधान के बेस भी आज देश चल रहा है। संविधान की इस प्रतिमूर्ति का जिस तरीके से रखरखाव विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है। विश्वविद्यालय प्रशासन को टाइम टू टाइम, समय से समय पर इस प्रकार के सभी जितने भी वहाँ पे जो चीज़ें लगा रखी है, जैसे आपने बताया कि फ्लैग्स लगा रखे हैं, फ्लैग्सों का रखरखाव नहीं है, दो फ्लैग्स निकल रहे हैं, दो फ्लैग्स पूरे हट गए हैं, जो लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल मूर्त अवस्था में हैं, बिल्कुल उनको देख के आप यूँ लगे जैसे कि बिल्कुल ये कई 10-20 साल पुराना है। एनएसयूआई जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित में दे कर के कि विश्वविद्यालय की इस संविधान पार्क की आप ज़्यादा से ज़्यादा रखरखाव करने के लिए कोई समय सीमा रख देवे कि सप्ताह में 2 या 3 बार 3-4 बार इस चीज़ के बारे में इसको मेंटेनेंस इसका देखा जाए और जो फ्लैग्स बिल्कुल मूर्त अवस्था में बिल्कुल आ गए हैं उनको पुनः नया वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।